बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद कसरत उस्मान SHO थाना पाड़िया वाली डिस्ट्रिक्ट मंडी गांव आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने काइट फ्लाइंग के अगेंस्ट जो है वो एक कैंपेन स्टार्ट की हुई है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानों का ज़िया हो रहा था, तो उसमें काफ़ी हद तक हमने काबू भी पाया। काफ़ी FIRs दी हैं, लोगों को पकड़ा है, जो पतंग बनाने वाले हैं उनको पकड़ा है, उनको FIRs दी हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ मुआवजे का कुछ मुस्बत पहलू भी है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे भी मैसेज छोड़े थे, तो कुछ लोगों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया। उनमें कुछ लोग जो हैं वो भी मेरे पास थाने में आए हैं, कुछ बच्चे हैं जो पहले ये काइट फ्लाइंग वाला जो था काम करते थे, तो अभी वो आए हैं। भाई आइए, आप फोन से मिलवाते हैं। हाँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक है आप जी? क्या नाम है आपका? आवे का नाम है। आवे का नाम है जी, बैठे। अच्छा बेटा ये बताइए, ये काई साहब ना है? जी मैं देखी। अच्छा ये इसका ये कैसे आपको ख्याल आया कि ये बुरी चीज है और हमें ये? आपने फेसबुक पे पोस्ट की हुई थी ये काइट्स वगैरह की, जिसके पास कोई काइट्स है वो हमारे पास ले आए। बिल्कुल ऐसे ही, तो मैंने फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर उधर से लिया, तो मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया कि हमारे पास कुछ काइट्स हैं, हम पुलिस स्टेशन ले आए, तो आपने कहा मिला जी तक आप ले। अच्छा लेके आए थे, तो अभी आपको कैसे ख्याल आ गया अचानक कि ये काम बुरा है, तो नहीं करना चाहिए? दैट्स व्हाई कुछ मैंने वीडियो देखी है वो फैसलाबाद वाली। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमने कहा किसी और की जानी नुकसान ना हो। बिल्कुल वेरी गुड। हाँ बेटा आप कहें। बिल्कुल ये एक अच्छा पहलू है कि हम क्योंकि माशरे में जो देखें अभी जानने जा रही हैं इस ये पतंगबाजी की, क्योंकि ये तो एक आम सी देखे डोर है जो जान जिससे इंसानी जान का नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं सब दोस्तों से ये फील करूंगा कि जो भी ये काइट्स वगैरह हैं बिल्कुल सर के पास ले आए, कोई सर नहीं ऐसी वैसे ही मारेंगे या तो धमकाएंगे। पुलिस जिनसे डर होता है बहुत अच्छे सर ने तावन किया हमारे साथ, बहुत प्यार से बिठाया, रिस्पेक्ट की है। थैंक यू सो मच सर। आप ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया ये सर? जी सर हमने आप वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि ये पतंग नहीं उड़ानी, ये जान के लिए होता है, वो हम देखे हम थाने ये डिसाइड किया कि हम जो थाना ये पतंग आपको दिया है पुलिस स्टेशन में ले आए, तो आप हमने यहाँ पर ले गए। आपने वैसे लोग जो होता है ना डरते हैं, जो कहते हैं कि पुलिस से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, वो कहते हैं कि सर से लेके जाएंगे वो हमें नाराज होंगे वैसा। हाँ। हमें आप हमने आपसे पहले रब्ता किया है, फोन नंबर आपके व्हाट्सएप पर किया है जी, आपने बोला कि ले आए कोई मसला नहीं है, हम आपके आपके पास ले गए, आपने कुछ नहीं बोला, आपने हमारे साथ अच्छा तमन किया है, और बाकी दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि वो तंग ना उड़ाएं, और वैसे भी हम अपने फ्रेंड्स को भी यही बताएंगे कि ये बुरा काम है इसे छोड़ दें, अगर आपके पास आए तो सर को दे आए, सर कुछ नहीं कहते। वेरी गुड यार, ये तो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया है, और ये बाकी तमाम बॉयज के लिए बच्चों के लिए भी ये एक एग्जांपल है कि ये इंतहाई बुरा काम है पतंग उड़ाना और पतंग खरीदना और पतंग बनाना, और इससे आप सबको अंदाजा है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं जो चल रहे हैं रोज किसी न किसी का नुकसान होता है, तो इसको हमने इस तरीके से खत्म करना है। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल इन बच्चों ने सेट की है कि ये इन्होंने जब सोशल मीडिया पोस्ट देखी हमारी तो ये पतंग लेके हमारे पास आ गए, इन्होंने कहा कि हम ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, तो इनको हम इंशाल्लाह इन पतंगों को हम तलब करेंगे और बाकी लोगों से गुजारिश करेंगे अगर किसी के पास ऐसे पतंग पड़े हैं तो वो हमारे पास ले आए, इंशाल्लाह हम इनका सदबाव कर लेंगे।